सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज भी हम श्रीलंका की धरती से आपके लिए प्राकृत क्लास फिर से लेके आए हैं। 24 तारीख है आज और बहुत ही अच्छा दिन है। कल 23 तारीख थी, कल आपकी क्लास नहीं लग पाई थी तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। कल अष्टमी का दिन था, बहुत ही अच्छा दिन था। परसों तक हमने आपको प्राकृत का सर्टिफिकेट कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया था। कुछ थ्योरी का पार्ट रह गया है, वो स्कैन करके फेसबुक के पेज पे डाल दिया जाएगा उसकी समरी। बाकी आपके पास जो किताब आई है थ्योरी वाली, वो आपको अपने आप से पढ़नी है। लंका में जैसे आपको पता है, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, हम लोग पिछले 10 दिन से लंका आए हुए हैं कुछ टाइम से, और यहाँ पर जैन मंदिर की भी स्थापना की गई है, अहिंसा केंद्र की भी स्थापना की गई है, और साथ में पक्षी अस्पताल चैरिटेबल का भी प्रोजेक्ट है। कल आपकी क्लास इसलिए नहीं लग पाई क्योंकि एक जमीन को यहीं पर पास में लंका में एक बड़ा जैन मंदिर हो, बड़ा अहिंसा केंद्र हो, वहाँ से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चलती रहे हैं, और यहाँ पर जो लोकल जैन समाज है, जो लोकल शाकाहारी वीगन ग्रुप है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसा सेंटर बने, उसके लिए कल कुछ जमीन देखने के लिए खरीदने के हिसाब से गए थे। और आपको बताते हुए पहली बार हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कल एक बहुत ही अच्छी उत्तर पूर्व दिशामुखी एक जमीन हम लोगों ने यहाँ पर फाइनल कर दी है, जिसका 1 तारीख से हमें 1 मई से ही हमें वो जमीन पर शिफ्ट करने की भी परमिशन मिल गई है, और कुछ समय के अंदर, कुछ महीनों के अंदर उसका पूरा पेमेंट भी करना है। तो हम आप सबको जो भी प्राकृत सीख रहे हैं सबको इनवाइट करना चाहते हैं। मई में आप लोगों को डेट बताई जाएगी, यहाँ पर भूमि शिलान्यास इत्यादि करा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और जिन मंदिर की ऐसी जगह स्थापना में अपना हर तरह से सहयोग दें, आए दर्शन करें पुण्य लाभ लें। तो उस जगह का एड्रेस वगैरह फेसबुक पेज पर बताया जाएगा आपको। बहुत ही सुंदर पूरी ज़मीन है यहाँ पर, बहुत ही विशाल जैन मंदिर बनने जा रहा है, लोग आइए और पुण्य लाभ लीजिए। आज हम आपको नया कोर्स शुरू कराना चाह रहे हैं। जिन लोगों का सर्टिफिकेट का कोर्स हो चुका है, अब उनके दिसंबर में पेपर होंगे, और जो सर्टिफिकेट कोर्स पिछले साल पास कर चुके हैं तो उनके इस साल अभी अगले महीने ही, मई के बाद जो जून आने वाला है, उसमें डिप्लोमा का पेपर होगा। तो सबसे पहले उनका शुरुआत कराने के लिए आज से कक्षा वन लग रही है आज, किस चीज की? डिप्लोमा की। प्राकृत डिप्लोमा का कोर्स है जो प्रबंध साहित्य अकादमी का है। इसके लिए जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, जिनको जून में एग्जाम देने हैं, तो एग्जामिनेशन खाली फॉर्म भरना होगा। बाकी नए रजिस्ट्रेशन अगर किसी को कराने हैं जिसका सर्टिफिकेट कोर्स पास हो चुका है, जिसका पास नहीं हुआ है, तो वो लोग पुस्तकें हमसे ले सकते हैं, खाली पुस्तकें अभी मंगा सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से उनका रजिस्ट्रेशन एग्जाम पास होने के बाद ही होगा। सीखने की दृष्टि से सभी लोग जो सर्टिफिकेट कोर्स सीख चुके हैं वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आपको 4 पेपर आएंगे। सबसे पहले आज हम आपको कोर्स का पैटर्न बताएंगे। ये जो कोर्स है ये भी क्या है, अपभ्रंश साहित्य अकादमी का है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। जून तक, जब तक सब लोगों के पेपर हैं, उससे पहले डिप्लोमा का कोर्स आपको अधिकतम कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स हो चुका है तो बहुत सारी चीजें उसी में से कॉमन है और लोग पास कर चुके हैं, तो कुछ चीजें आप लोग इसमें से स्वतः भी कर सकते हैं, जैसे गाथाओं का भी पेपर होगा, बाकी व्याकरण इत्यादि जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम कक्षा के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आपको ऑनलाइन बताएंगे। कोर्स का नाम है पत्राचार प्राकृत डिप्लोमा। बेसिकली इसका पाठ्यक्रम 1.5 साल का रखा गया है। जैसे दिसंबर में आपने एग्जाम दिए, जनवरी में आपका रिजल्ट आया, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उस साल जून में पेपर नहीं होंगे। जैसे 2018 में मान लो आपने पेपर दिए ना, उसके बाद जनवरी में आप पास होकर रिजल्ट आए, तो आपका 2019 में अटेम्प्ट नहीं पड़ेगा जून में, आपको 1.5 साल बाद यानी कि जून 2020 में डिप्लोमा का अटेम्प्ट पड़ेगा। हमने भी जब दिए थे तो पहले डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेट कोर्स किया, फिर 1.5 साल बाद इसका एग्जाम दिया,
उसके बाद दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री जो संस्कृत विद्यापीठ है वहाँ से डिप्लोमा का कोर्स किया है, वहाँ से भी एक जैन दर्शन विद्यापीठ का कोर्स किया है अभी कुछ समय पहले, उसमें हम पास कर लिए, तो अब उसका भी डिप्लोमा का कोर्स अगले महीने से शुरू होने वाला है। आपका पाठ्यक्रम बताएंगे आप सबसे पहले कि सर्टिफिकेट कोर्स में केवल आपके दो पेपर हैं, प्राकृत गद्य पद्य और व्याकरण। बाहर देखिए कितने कौओं की आवाज आ रही है, वहां पर कौए बहुत है उनका में, और सारे कौए एकदम शुद्ध शाकाहारी हैं, कोई भी मांस मीट नहीं खाता। हम लोग 10-15 दिन से यहाँ पर हैं, एक महीना होने को आया हमारी टीम को, सब बिल्कुल रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, फल खाते हैं कौए रोज। अभी हमारे भैया खिला रहे हैं उनको, लड्डू खिला रहे हैं, लड्डू उन्होंने बनाए हैं और रोज अपनी रोटियां खिला रहे हैं बहुत सारी, तो कौए बाहर को शौक से आप आवाज सुन सकते होंगी। हम आगे बताते हैं कि क्या क्या है, आपके चार पेपर होंगे, चार प्रश्न पत्र आपको साथ में, जो लोग कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराए होंगे एक ब्लू कलर की पुस्तक आई होगी जिसमें पाठ्यक्रम है, ये बहुत जानना जरूरी है कि आपका पेपर में क्या क्या आएगा, क्योंकि कुछ किताबें जो साथ में आई है उनमें एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं, तो आपको सारा नहीं पढ़ना है, जितना आपके कोर्स में है फिलहाल आपको उतना ही पढ़ने की कोशिश करनी है कोर्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चार प्रश्न पत्र सर्टिफिकेट में दो थे, इसमें चार दिन में आपके चार एग्जाम होंगे। पहला है प्राकृत साहित्य का इतिहास, ये थ्योरी की किताब आपको आई है, अभी आपको जितनी किताब हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है वो किताब भी थोड़ी सी दिखा देंगे, कुछ किताब अभी हम लंका में लेके नहीं आए थे, वो आपको जब हम दिल्ली पहुंच जाएंगे वहां से दिखा देंगे कि ये किताबें हैं। ये आपका है 100 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स का। दूसरा, जैसे प्राकृत गद्य पद्य सर्टिफिकेट कोर्स में थी वैसे ही थोड़ी और गाथाएं और कुछ और कहानियां आपकी डिप्लोमा के कोर्स में भी हैं, बहुत आसान है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सर्टिफिकेट कोर्स से ज्यादा आसान है इसमें जो गद्य पद्य है। गद्य पद्य माने, गद्य माने कुछ कथाएं गाथाएं हैं, पद्य माने कुछ कहानियां हैं। ये भी आपके कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। तीसरा आपका पेपर है प्राकृत व्याकरण एवं रचना, एक व्याकरण आपने सर्टिफिकेट कोर्स में सीखी थी, इसमें थोड़ी सी आपको इस वाले कोर्स में, क्योंकि डिप्लोमा कर रहे हैं तो अपभ्रंश अकादमी का भी जैसे नाम है, प्राकृत और अपभ्रंश थोड़ी मिलती जुलती भाषाएं हैं, कई जगह उनका समावेश देखा जाता है पुरानी पांडुलिपियों में, हस्तलेख में और शिलालेखों में, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन किया जाएगा अपभ्रंश भाषा के लिए, प्राकृत व्याकरण एवं रचना जो आपने नॉर्मल व्याकरण पिछले कोर्स में सीखी थी उसमें थोड़ा सा एडवांस अपभ्रंश भी आपको सिखाई जाएगी, और कुछ संस्कृत से मिले जुले तरीके से कुछ सूत्र भी आपको बताए जाएंगे। तो ये उसका किताब का नाम है, और ये भी कितने मार्क्स की है, 100 अंक की। अगला बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, हालांकि है केवल थ्योरी का, लेकिन जो अगला पेपर आने वाला है ये अल्टीमेट आपका गोल है, मिशन है, जिसके लिए पूरा प्राकृत का आपका कोर्स डिजाइन किया गया है। जो भी लोग इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए ये सारी चीज की जानकारी कहाँ निकल के आएगी, हमने जब सर्टिफिकेट कोर्स का पहला दिन शुरुआत करी थी तो आपको बताया था कि पांडुलिपि सीखने का हमारा मिशन है ये सारा कोर्स करने के लिए, कि आज भी हजारों की संख्या में पांडुलिपियां अलग अलग स्थानों पर, कई जगह मंदिरों में है, कई जगह किसी के घर पर है, कई जगह लाइब्रेरी में है, काफी जगह विदेशों में चली गई,
ऐसी ऐसी पांडुलिपियां हैं जो सारा हमारा साहित्य, हमारा इतिहास, हमारे आचार्यों का जितना भी उसमें एक्सपीरियंस था, अनुभव था, और पूरे तीन लोक के बारे में, आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में बहुत ही गहन उसमें अध्ययन किया गया है, उसमें चीजें बताई गई हैं। जितना भी विज्ञान आजकल देखते हैं, चाहे आयुर्वेद विज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष विज्ञान हो, चाहे वास्तु विज्ञान हो, या चाहे शिल्प विज्ञान हो, ये सारा की सारा विज्ञान आपको उन पांडुलिपियों में समावेश मिलता है। तो इसलिए उन पांडुलिपियों को पढ़ना हमें सीखना है, और आपको कहीं नई पांडुलिपियां मिल जाती है जिसका अनुवाद आज तक नहीं हुआ है, तो उसका अनुवाद करना आपको सीखना है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, मिशन है। तो हालांकि ये थ्योरी पेपर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग इसको आगे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए। पांडुलिपि विज्ञान एवं प्राकृत पांडुलिपि, तो कुछ सैंपल पे पांडुलिपि स्कैन करके आपके पेपर की दृष्टि से आपको सिखाई गई है। आपको उनको देख देख के शब्द बनाने हैं कि क्या लिखा हुआ है, पत्थरों पे कैसे लिखा होता था, अगर आपको कहीं पर देखने को मिल जाए तो वो क्या लिखा है। इसी प्रकार की हमने शिला लेख, यहाँ श्रीलंका में भी हम दो तीन जगह पुराने मंदिरों के दर्शन करने गए, राधापुरम और सिगरिया और इत्यादि, वहां पर आज भी ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत बोली में बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, उनको पढ़ने का भी प्रयास किया। साथ में बहुत सारे शब्द समझ में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते, क्योंकि लिपि कहीं कहीं सिंगली लिपि यहाँ की लोकल है, और लेकिन बोली कौन सी है, प्राकृत है, लेकिन कई तरीकों से और चीजों से पता चलता है। पीछे का चिन्ह बन रहा है, जैन धर्म के चिन्ह बने हुए हैं, उससे पता चलता है कि श्रवण संस्कृति का अवशेष यहाँ पर आज भी हजारों सालों से विद्यमान है, जस का तस। और यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं वो बताते हैं कि ये मंदिर बुद्ध के आने से, जब यहाँ पर बुद्ध के बारे में लोगों को पता चला, जब अशोका ने अपने पुत्र भेजे थे, उससे बहुत पहले के, तो इसका मतलब श्रवण संस्कृति का अवशेष। दिगंबर मुनि आचार्य यहाँ पर विहार करते थे, उनका यहाँ पर ध्यान तप इत्यादि करते थे, उसके अवशेष हैं। तो इसी प्रकार से पांडुलिपि आपको सीखनी है। इसका पेपर कितने मार्क्स का है, प्राकृत पांडुलिपि ये भी आपका 100 मार्क्स का अलग से पेपर है। थ्योरी का है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो थ्योरी वाले पेपर हैं दो पेपर, इसके लिए हम आपको सिखाएंगे कैसे, जो प्राकृत का आपका थ्योरी है उसको आपको कैसे उसकी समरी बनानी है, वो आपको सैंपल बेस पे सिखाई जाएगी। आप अपनी समरी, यानी समरी आप समझते हैं ना, उसको शॉर्ट में आप अपने हाथों से लिखेंगे, जिससे कि आपको पेपर वाले दिन पूरी इतनी मोटी किताब रटने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-5 पेज के अंदर आपको अपने हाथों से, अपने आप पढ़ते हुए साथ साथ उसका सारांश है ना, उसका जो क्रक्स है, समरी जिसे आप बोलते हैं, वो आपको स्वतः बनानी होगी। तो ये आपके दोनों पेपर आपको अपने चार्ट पेपर पे समरी बना के बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये गाथाएं हैं और ये व्याकरण है, ये दो पेपर आपको सीखने हैं बेसिकली। बाकी का इन दोनों का हम आपको तरीका बता देंगे कैसे शॉर्टकट में। जो लोग मेहनत करने में बहुत आलसी हैं, तो उनके लिए जो हमने पेपर दिए थे उसकी समरी अगर हमने बना रखी होंगी तो आप लोगों को दे देंगे, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना, अपना भी पढ़ाई जरूर करना, जिससे कि खुद की मेहनत भी थोड़ी बहुत लगनी चाहिए। अब आपको इस किताब से महत्वपूर्ण तरीके से देखना है कि आपके लिए ये जो कोर्स है उसमें जो किताबें आई हैं उसमें सारा कोर्स नहीं करना है, केवल कुछ छटी हुई चीजें करनी है। तो सब इसमें लिखा हुआ है, बेसिकली तृतीय प्रश्न पत्र आप इसमें जो किताबें हैं वो आप देख सकते हैं। एक किताब है आपके पास संधि और समास की, अपने बचपन में संस्कृत में अगर पढ़ा हो तो उसमें सीखी होंगी। ऐसे ही प्राकृत शब्दों की संधियां कैसे होती हैं वो आपको सिखाएंगे। फोटो खींचो, ये आपका कोर्स हो गया। अब किताबों में क्या क्या है वो बताएंगे। ऊपर वो नहीं लिखा ना, अक्षावण, कक्षा के लोग नहीं समझ पाते, आज आपकी क्लास वन है,
इसका अलग से फेसबुक पे अलग से एल्बम बना देंगे, यूट्यूब पे भी अलग से बनाएंगे प्राकृत डिप्लोमा की जो प्लेलिस्ट है, और पिछली जो भी क्लासेज है वो प्लेलिस्ट में बना के आप अलग से डाल देना, व्याकरण की अलग सर्टिफिकेट में और गद्य पद की अलग, ठीक है। ऐसे ही इसका ही बन जाएगा डिप्लोमा की, अभी आज से शुरू हो रहा है। गद्य पद जब करेंगे तो गद्य पद चार पेपर के हिसाब से चार प्लेलिस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम में बन जाएंगे, ठीक है। चार या दो देखते हैं किस प्रकार से करनी है, बहुत आराम से आपका एक महीने में कोर्स हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि जिन लोगों के डिप्लोमा के पेपर हैं उन सबके लगातार काफी महीनों से फोन आ रहे थे, तो वो लोग काफी चीजें कर भी चुके हैं, जहां जहां उनके डाउट होंगे वो इस क्लास के माध्यम से पूरे कर सकते हैं। बाकी एक चीज और बतानी है पांडुलिपि की बात पर, कि हमारे जो सर हैं डॉक्टर अनेकान जैन जी, जिन्होंने हमें जैन दर्शन का कोर्स का सर्टिफिकेट कोर्स कराया है, देश के जाने माने जैन विद्वानों में से और प्राकृत के बहुत प्रकांड विद्वान हैं। पागत भाषा के नाम से उन्होंने एक मैगजीन भी निकाली है, पागत भाषा यानी प्राकृत भाषा, जो लोग भी उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कल एक पोस्ट डाली थी कि जिन लोगों को प्राकृत की नॉलेज है तो एक यूनिवर्सिटी में उसके लिए फुल टाइम पोस्ट निकली हुई है, तो जो लोग भी प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके हैं या डिप्लोमा कोर्स कर चुके हैं या सीख भी रहे हैं, वो लोग अगर उसको फुल टाइम प्रोविजन बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी आपको सैलरी मिलेगी सरकारी, अच्छी आपको पोस्ट है, तो आप उसका बहुत आराम से इस काम को अंदर हम के प्राकृत भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं। उसका पूरा पोस्ट जो उन्होंने भेजा था ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला हुआ है, हम उसको दोबारा से फेसबुक के पेज पे भी अभी थोड़ी देर में आपके लिए बता देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको शेयर कर दें, बता दें, जिससे कि इस महीने वो पोस्ट फिर क्लोज करनी है। तो जिसका भी इंटरेस्ट है वो इसको फुल टाइम प्रोफेशन भी बना सकता है, उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। समय समय पर जो भी लोग इसका कोर्स करेंगे, कोई भी अगर वैकेंसी निकलेगी कहीं पर भी निकलेगी तो आपको बताया जाएगा। हम लोग भी प्राकृत पांडुलिपि के लिए एक लाइब्रेरी बनाने का सोच रहे हैं, हो सकता है यहाँ लंका में जो मंदिर बन रहा है वहां बनाई जाए, नहीं तो नोएडा में हमारा जो ट्रस्ट है वहाँ एक पक्षी अस्पताल का निर्माण चल रहा है, काफी समय से एक्टिव है, वहां पर भी पूरा प्लान है, तो हो सकता है कि हमें भी आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी आप में से कुछ लोगों की सेवाएं लेने की, तो आपको उसमें जो वैकेंसी निकलेगी तो बताया जाएगा। अभी फिलहाल ये वैकेंसी है, आप जरूर उसमें अप्लाई करें। बहुत सारे लोगों ने पिछले साल जो सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे थे, कई लेकिन लोग थे, उन्होंने कहा था कि वो इसको एज अ जॉब करना चाहते हैं जिससे कि फुल टाइम काम कर सकें, तो अगर वो सुन रहे हो देख रहे हो तो इमीडिएटली अप्लाई कर दें, देरी ना करें, ठीक है। विवेक जी आपको भी अप्लाई करना हो तो कर देना। सबसे पहले है आपको दो पेपर तो आपको नॉर्मल है, तीसरे पेपर में थोड़ा बता देते हैं कि कोर्स में क्या क्या है। ठीक है, कुछ किताबें आपको दिखाते हैं जो आपके कोर्स में किताबें हैं, एक दो किताबें हम नहीं लाए हैं अभी, रह गई हैं, है ना, वो आपको बाद में दिखा देंगे कल परसों में जब दिल्ली पहुंच जाएंगे। एक किताब है आपकी उसमें प्रौढ़ प्राकृत रचना सौरभ, तीसरा प्रश्न पत्र की पहले बात करते हैं क्योंकि दो तो बहुत सिंपल है, उनमें एक एक किताब डायरेक्ट है, तृतीय प्रश्न पत्र में क्या क्या है, तृतीय प्रश्न पत्र क्या नाम बताया, प्राकृत व्याकरण एवं रचना दो, प्राकृत व्याकरण एवं रचना दो। इसमें आपको संधि समास इत्यादि जो किताबें हैं एक किताब तो पूरी आएगी, कुछ ये किताबों में से पूरा नहीं आएगा तो वो बता रहे हैं आपको,
एक पुस्तक का नाम है प्रौढ़ प्राकृत रचना सौरभ भाग एक, प्रौढ़ प्राकृत रचना, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम देखे कई लोग पूरी पूरी किताब देखना शुरू कर देते हैं, हमने भी कर दी थी। फिर बाद में हमें शारदा आंटी जो हमें पढ़ा रही थी, वैशाली में गाजीवाल में रहती हैं अम्मा जी, तो उन्होंने बताया कि इतना नहीं करना, सबसे पहले पाठ्यक्रम तो देख लो। तो तब हमें पता चला कि हाँ भाई पाठ्यक्रम देखना भी बहुत जरूरी है, कि कोर्स में कितना है, फिलहाल उतना पढ़े पास हो जाए, उसके बाद एक्सपर्टाइजेशन के लिए आप पूरी चीजें करें, सारी चीजें करें, एक्स्ट्रा चीजें करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक एग्जाम पास करके आपको डिग्री मिल जाती है। पिछले हफ्ते जो जैन दर्शन का हमने कोर्स पहले किया था, तो उसकी जो डिग्री दी गई लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ सैटरडे को ही, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आके अपने हाथों से ली। हम बाहर थे इसलिए वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन हमारे संघ के साथी सारे थे, तो हमारी यहीं से ही भावना जुड़ी हुई थी। तो आप लोगों को भी जब इसकी डिग्री मिलेगी तो बहुत ही महामहिम के द्वारा या अच्छे लोगों के द्वारा बहुत अच्छा फंक्शन होता है, डिग्री मिलती है, तो इसलिए भी आपको बहुत प्रेरणा मिलती है ना। तो इसलिए आपको ये कोर्स अच्छे से करना है। भाग एक, ठीक है, इसमें ये 10 अंक का आएगा, 100 नंबर का पेपर है ये तृतीय, उसमें 10 अंक का ये भाग एक में से जो आएगा वो क्या आएगा, संज्ञा सूत्र इसमें कुछ सूत्र दे रखे हैं 1 से 10, सारे आपको नहीं करने हैं, और सर्वनाम सूत्र दिए हुए हैं, वो आएंगे आपको 57 से 66, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना करना है। ये दोनों मिलाकर इस किताब में से पूरी किताब केवल 10 अंक की है। कौन सी किताब? नीले कलर की, और प्राकृत रचना सौरभ, कैमरे में हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर आपको लिख भी दे रहे हैं गहरा नीला। इसका रंग कैसा है इस किताब का? गहरे नीले रंग की, रंग के कवर की पुस्तक। में से केवल 10 नंबर का आएगा पौड़ प्राकृत रचना सौरभ। इसमें सूत्र दिए हुए हैं, पूरी किताब नहीं आएगी, शुरू में कुछ सूत्र है उसमें से खाली 10 सूत्र आएंगे, और बाद में आधी किताब के बाद में सर्वनाम सूत्र है उसमें से 57 से 66 सूत्र आएंगे। ठीक है, जैसे नंबर डाले हुए सूत्रों के, वो सूत्र आपको पूरे कराएंगे हम क्लास में, हो सकता है आज ही कराएं नहीं तो कल से शुरू करेंगे, देखते हैं। अगली किताब है इसमें पौड़ प्राकृत अपभ्रंश रचना सौरभ। प्रौढ़, पहले दिन आपको कोर्स बता रहे हैं खाली, प्रौढ़ प्राकृत अपभ्रंश रचना सौरभ। दिखा देते हैं किताब, ये आपकी पिंक कलर की किताब है। कैसी किताब है? पिंक कलर की, पतली सी किताब है बहुत। ये कितने नंबर की आएगी? भाग दो। इस पर आगे क्या लिखा है? भाग दो। ये आपका आएगा 10 नंबर का, ये भी 10 अंक की है। इसमें कितने सूत्र हैं? इसमें भी आपके खुद भी पतली किताब में सारा नहीं है, बहुत कम कोर्स है, वो लिख देते हैं फिर दिखा देंगे। क्रिया सूत्र, मात्र 1 से 5, 1 to 5, यहां 10 सूत्र थे, यहां भी 57 से 66 कितने थे? 10।
तो 10 और 10 20 सूत्र हैं इसमें, उसमें आपको 10 अंक आ जाएगा। यहाँ पे मात्र 5 सूत्र हैं और उसके बाद कृदंत सूत्र है। वो कितने हैं? 42 से 46 यानी 5, यानी कि 10 में से आपको 10 अंक पक्के हो जाएंगे। और एक बार समझ रहे हैं, उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे तो ये 10 मिनट का ही काम है। जब आप रिवाइज करोगे तो 10 मिनट में आपके ये हो जाएंगे, 10-15 मिनट में आपका ये रिवाइज हो जाएगा। शुरू में समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत आराम आराम से ये सूत्र हम आपको कराएंगे, जिससे कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं से भी। ये आपका कितने का हो गया? 10 नंबर का ये हो गया। ओके, 10 नंबर का ये हो गया। तो आपकी दो किताब, आपको जो डर लग रहा था, बहुत सारे लोगों को डिप्लोमा बहुत टफ है बहुत टफ है, दो किताब आपकी इतने से में खत्म हो गई। दिखा देते हैं, छोटे छोटे से सूत्र हैं, पूरे छोटे छोटे से आधे पैराग्राफ जितने, ऐसे आपको ये 5-5 सूत्र करने हैं। ये दो किताब आपकी हो जाएंगी। उसके बाद एक किताब है अपभ्रंश व्याकरण, अपभ्रंश रचना रचना सौरभ, ये पूरी आपकी गुरु किताब है। ठीक है, ये भी आपकी 10 नंबर की है। 10 और 10 ऊपर लिख देते हैं नीचे जगह में। इसका नाम है अपभ्रंश व्याकरण। व्याकरण इसकी पुस्तक का नाम है अपभ्रंश रचना सौरभ। क्या नाम है इसकी पुस्तक का? अपभ्रंश रचना सौरभ। इसमें लिखा 20 नंबर, 10 नंबर दिए क्या? अपभ्रंश रचना सौरभ, ये भी आपका है 10 अंक का। कितनी संख्या की होगी? 6 और 6 12 और 8 कितना होता है? 20 और 20 40 50 60 70 नंबर की पतली सी किताब है वो हमें नहीं। ये आपकी अपभ्रंश व्याकरण, इस किताब का नाम है अपभ्रंश। ये है गहरा नीला और ये है, यहाँ लिखना भूल गए हम, पिंक कलर की। पिंक को क्या बोलते हैं? गुलाबी, गुलाबी रंग की पुस्तक। आप पुस्तक के ऊपर भी लिख सकते हैं कितने नंबर की है अपने हाथ से, जिससे आपको ध्यान रहेगा। अपभ्रंश व्याकरण है, इस किताब का नाम है अपभ्रंश रचना सौरभ। अपभ्रंश रचना सौरभ, इसके हैं आपके 10 अंक। 30 नंबर की आपकी ये हो गई और 70 नंबर की एक पतली सी किताब है वो भी आनी है, वो आपको 26 तारीख को दिल्ली पहुंच के दिखा देंगे। इसका रंग कैसा है?
ये है आसमानी कलर की, ये गहरा नीला था और ये हल्का नीला है, आसमानी रंग की पुस्तक है ये। अब आप कहोगे इतनी मोटी किताब में खाली 10 अंक, हमने जो आपको प्राकृत व्याकरण सर्टिफिकेट कोर्स में कराई है बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये किताब है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इसके, खाली आपने सीधे सीधे चार्ट बनाने हैं, इसमें सब चीजें हैं, हितवर्धक कृदंत, संबंधक कृदंत, जैसे व्याकरण नियामी है भी आपने किया था सी से एसी, उसी में अपभ्रंश में थोड़े थोड़े से शब्द आपके पड़ जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, इस किताब को लेकर के चार्ट बनाने शुरू कर देने हैं, चार पेज में आपके सारी विभक्तियां सारे चार्ट बन जाएंगे, इसलिए कहने को 10 अंक है, लेकिन यही पेपर आपका सर्टिफिकेट कोर्स में 100 अंक का था, उसमें क्या कराया था प्राकृत, उसी पैटर्न में बिल्कुल वैसी ही किताब है, इसमें आपको क्या करना है अपभ्रंश, तो इसके आपको वर्ड मीनिंग के चार्ट बनाने हैं, तो वो सारा आपको हमने समरी जो बना रखी थी वो आपको इसमें फेसबुक पे डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देंगे, और आपको किताब देखकर अपनी स्वतः अपने आप से भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, हालांकि है 10 अंक का लेकिन महत्वपूर्ण है, आपको आना चाहिए, अपभ्रंश के भी कुछ शब्द मिलते जुलते शब्द हैं, कोई खास फर्क नहीं है, तो ये मेहनत आपको अपने आप करनी होगी, और थोड़ी सी जो हमने की है आपको शॉर्टकट में पेजेस डाल के बता देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका 30 अंक का ये हो गया, बाकी के 70 अंक में आपको संधि समास एक पतली सी पुस्तक है वो पूरी करनी है, प्राकृत व्याकरण के नाम की पुस्तक है वो, उसमें से आपको 70 नंबर का आएगा संधि समास कारक तृतीय स्त्री प्रत्यय अव्यय और संख्यावाची, उस किताब का नाम है प्राकृत व्याकरण, पतली सी किताब है वो पूरे 70 नंबर की होगी अलग से, बाकी जो तीन किताबें उनमें 10 10 10 30 नंबर का है, तो वो कहां लिखे भाई, ये मिटा के ऊपर लिख देते, प्राकृत व्याकरण इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं, संधि समास वाली जो पुस्तक है, संधि समास कारक इत्यादि, ये आपको आएगी 70 अंक, पतली सी है ये आपको अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे चार पुस्तक हैं आपकी इसमें, पेपर का नाम मिटा दिया था तो दोबारा से ऊपर लिख देते हैं दूसरे पेन से, तृतीय प्रश्न पत्र, प्राकृत व्याकरण एवं रचना दो, प्राकृत व्याकरण एवं रचना दो, टोटल 100 अंक, 70 अंक का इसमें से हो गया, 10 अंक का इसमें से हो गया, 10 10 ऐसे करके 100 अंक का आपका पेपर हो गया, इसकी फोटो खींच लो। सारा पाठ्यक्रम आपका इसमें दिया हुआ है, यहां से भी फोटो खींच के आपको भी भेज देंगे, यही है सबसे मेन। बाकी चौथा पेपर है पांडुलिपि विज्ञान, उसमें जो दो किताबें हैं वो आपको करनी है पूरी पूरी, कुछ स्पेशल नहीं है, मेनली तीसरे प्रश्न पत्र के बारे में आपको बताना था कि कोर्स में जो मेन चार किताबें हैं आपको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी है, बाकी की जितनी भी किताबें हैं उनमें आपको पूरा पूरा करना है। आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी छोटी दो तीन किताबें खत्म करने की दो तीन क्लास में कोशिश हो जाएगी, जिससे आपकी टेंशन बहुत भारी खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे कि करके इसके तो आपको चार्ट भेज दिए जाएंगे, ठीक है, आप अपने आप से ही बनाओगे,
ये दो आपके जो 10 और 10 नंबर का पेपर है, ये आज देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, इसकी फोटो और फिर गद्य पद्य स्वरूप वाली किताब है। जब आपका व्याकरण का पोर्शन अगले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको गद्य पद्य स्वरूप कराएंगे। थ्योरी वाली जो दो किताबें हैं पांडुलिपि की और जो इतिहास वाली है, वो आपको अपने आप से अब डेली पढ़नी शुरू कर देनी है, जिससे कि जून में पेपर तक आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सबसे टफ लोगों को जो लगता है तीसरा पेपर ही अपने आप करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए इसको मुख्यतः कराया जाएगा। और गद्य पद्य गाथाओं में भी समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इन्होंने समझा है कि आप लोग बहुत विद्वान हो गए हैं, तो इसलिए अंत में कुछ कहानियां हैं जिसका इन्होंने जानबूझ करके हिंदी नहीं दे रखी है, और पेपर में आ सकती है, क्योंकि जब इतना आप कोर्स कर लोगे तो अपने आप हिंदी बना सकते हो। बहुत आसान कहानियां हैं, फिर भी हमारे जो जिन्होंने हमें पढ़ाया था उन्होंने हमें उनकी हिंदी करके लिखवा दी थी, तो हम आपको भी हिंदी इसमें नहीं दी गई है वो हिंदी लिखवाएंगे, जिससे कि आपका डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबको अब कह के आदत पड़ गई है ना, कोई टीचर लिखा दे कर देते, इसलिए हमारी भी आदत ऐसी थी, तो हमारी भी शारदा आंटी ने काफ़ी हेल्प करी, ऐसे ही अब हमारे आपकी भी हेल्प करेंगे। जो इसमें प्राकृत की कहानियों की बेसिकली कुछ कहानियों की हिंदी नहीं दी है वो हिंदी यहीं से लिखवा देंगे। ठीक है, एनी डाउट? नो नो, चलो इंटेलिजेंट हो गए लोग, बहुत अच्छी बात है। करते हैं हम शुरू। इसको करने से पहले आपको सर्टिफिकेट कोर्स जिन लोगों को पेपर दिए बहुत दिन हो गए हैं वो उसको रिवाइज कर लें, जो रिवाइज नहीं कर पा रहे तो जितनी भी क्लासेस व्याकरण की मात्र 21 क्लासेस हैं टोटल, है ना, गद्य पद्य के अलावा, वो सारी यूट्यूब पर फेसबुक पे अपलोडेड करी हुई हैं, उनको जरूर सुन लें, क्योंकि उसके बिना आपके ये जो दो सूत्र है ये आप पढ़ चुके हैं, उसमें उसी बातों को सूत्र के माध्यम से बताया है। तो जिन लोगों ने सर्टिफिकेट कर लिया है उनके लिए ये मैक्सिमम जो सूत्र वाला है 10 और 10 नंबर का 5 मिनट का काम है। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं जून वाले एग्जाम वाले भी, उन्होंने हमें बताया था, तो उनके लिए बहुत आसान होने वाला है अब जो अब कराने जा रहे हैं। किसी को इसकी थी, क्योंकि अब चलनी प्रश्न पत्र ही चलेगा, और उसमें क्या चलेगा, आपका नाम फिर से लिख देंगे, प्रौढ़ प्राकृत अपभ्रंश रचना सौरभ ये करा है, लिख देते हैं। चलिए कोशिश करके एक दो क्लास में एक एक आपका 10 नंबर का पूरा कराते जाएंगे, तो 3-4 क्लास में देखते हैं कैसी स्पीड बनती है, दो तीन चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी हुई है उनके लिए ये जो दो किताबों के सूत्र हैं, सूत्र जनरली संस्कृत में होते हैं या फॉर गणित में होते हैं, उस सूत्र से एक लाइन में आपको पूरा रूल समझ में आ जाता है। जो अपन ने व्याकरण के चार्ट बनाए हैं उनको याद करने के लिए ये सूत्र बनाए गए हैं बेसिकली। ओके, कहां से करना है, पेज नंबर आपको निकालना है 13।
सबसे पहले कराएंगे क्रिया का कृदंत सूत्र, उसके बाद होंगे आपके फिर आपको आएगा ये वाला 42 से 46 और सैनिक रक्त के क्रिया कृदंत सूत्र। ओके पेज नंबर 13 जिससे जिनके पास पिंक वाली पुस्तक अपन ने निकाली है, प्रौढ़ प्राकृत अपभ्रंश रचना सौरभ, प्रौढ़